आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हरियाणा में तकरीबन तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गुरुग्राम एक हॉट सीट बनी हुई थी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन 29 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामांकन किया और 30 तारीख को रात होते होते कहीं ना कहीं जो है राज बब्बर का नाम घोषित कांग्रेस की ओर से किया गया। उससे कहीं ना कहीं चुनाव रोचक हो गया। अब उम्मीदवार तक हर जगह कहें कि मैदान के अंदर है और राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है लंबे समय से प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रचार में प्रत्याशियों की बरोबर में प्रतिद्वंदी की घोषणा ना होने से कहीं ना कहीं सुनापन था, लेकिन अब राज बब्बर की घोषणा हो गई है कांग्रेस की ओर से तो प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं मैदान के अंदर है। हालांकि जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित करा है। तो तमाम ये चीजें हैं कि राव की जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख रहे किस तरीके से धुआंधार प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ गांव के अंदर उनके दौरे हो रहे हैं, तमाम उनके कार्यकर्ता एक तरफ उनकी बेटी आरती राव प्रचार प्रसार कर रही है मेवात बेल्ट के अंदर और एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल की कमान संभाली हुई है। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव और बॉबी जी जो राव के कट्टर समर्थक हैं और साथ के अंदर है नारनौल से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौधरी जी और हरीश यादव जी हमारे साथ है एडवोकेट, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो अहिरवाल से हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं। सुरेंद्र जी पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। अब उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, कहीं चुनाव में रंग जमा है, लगा कि अब प्रचार सरगर्मी आई है? बिल्कुल, कई दिनों से इंतजार था भाई गुड़गांव से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन अब जब उसकी घोषणा हो चुकी है और राज बब्बर को जब यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, सुनने में आया कि 3 तारीख को आज उन्होंने गुड़गांव में शीतला माता के दर्शन करके अपनी चुनावी जो प्रक्रिया है जो अपनी चुनावी प्रचार है शुरू कर दिया है। तो राज बब्बर के बारे में तो इतना ही है कि 3 बार लोकसभा के सांसद और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसा उनका कद काफी बड़ा है। अब चुनाव में आगे देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे चुनाव में गर्मी आएगी जब ये जाएंगे इनके हक में, जब सेंटर के पदाधिकारी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आएंगे, भाजपा के भी नेता आएंगे, तो चुनाव में अभी कुछ कहा नहीं। तो राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला कर पाएंगे जिस तरीके से राव के पास टीम वर्क है, तमाम उनके नेता है और कैप्टन को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी है, कुछ तरीके से देखते हैं इसको। कल कैप्टन अजय यादव ने भी मीटिंग बुला रखी है उनके बेटे विधायक ने अपने रेवाड़ी निवास पे। मोहनलाल जी ऐसा है कि फिलहाल तो राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार में काफी आगे हैं और उनका सभी हलकों के अंदर उनके पास बढ़िया टीम है, और जैसा कि राज बब्बर के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारी उम्मीदवार है, तो आज तो ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह की हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे, उस वक्त सुधा यादव को यहाँ से टिकट दी गई थी और ये कहा गया था भी ये तस्तरी में भेज कर दी गई है राव इंद्रजीत सिंह को, और वो सुधा यादव ने उस चुनाव के अंदर 1999 में जब ये महेंद्रगढ़ लोकसभा का हिस्सा हुआ करता गुड़गांव लोकसभा, ये गुड़गांव जो जिला था, तो उस वक्त चुनाव में राव साहब को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो आज ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। बेशक राव साहब आज काफी आगे हैं, लेकिन कल को क्या होगा, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का अभी विरोध हुआ है, कल काले झंडे दिखाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सभी लगभग राव साहब को छोड़ के सभी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, तो अभी चुनाव किस करवट बैठेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको लगता है मुद्दे क्या होंगे अहिरवाल में? राज बब्बर का एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक मीडिया को, तो कई सारी बातें कही है कि वो उन्होंने बताया कि मैं भी हरियाणा का हूँ, बाहरी नहीं हूँ, मेरे पूर्वज हरियाणा के हैं सारे। मोहनलाल जी ये तो चलो कोई ना कोई निकाल दिया जाता है, हो सकता है उनका हरियाणा से कोई लिंक निकले, लेकिन मुद्दे तो कभी हरियाणा के अंदर नहीं, आज सेंटर के लेवल मुद्दे है महंगाई, बेरोजगारी, संविधान को बचाओ। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे मंगलसूत्र के बारे में पीछे बयान दिया गया कि कांग्रेस आपके सोना लूट लेगी, आपकी संपत्ति को मुस्लिम लेगी, तो चुनाव के अंदर जनता मतलब नेता तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं लेकिन जनता के मन में क्या है वो अभी बाहर निकल के नहीं आ रहा। वो आएगा 4 दिन को, जब रिजल्ट निकल के आएंगे बाहर, तब पता लगेगा कि जनता ने अपना फैसला क्या दिया है। चलिए कम समय में देखिए, आप जितना कम बोलेंगे अच्छी डिबेट होगी। गोबी राव जी बहुत उम्मीद थी, अब तो उम्मीदवार की घोषणा हो गई,
आप चेहरे पे हंसी भी आ रही है, कहीं ना कहीं कल भी मैं देख रहा था जब आपसे चर्चा कर रहे थे, आपको लगता है तस्तरी में राव साहब को मिल गई टिकट, सीट मिल गई है? नहीं मोना जी, तस्तरी में सीट नहीं है, ऐसा नहीं है, तस्तरी में सीट है। हाँ ये है कि उम्मीदवार एक कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने कोई इलेक्शन भी हल्के में नहीं ले रहे, हमारी टीम सारी जुझारू रूप से काम कर रही है, हर एक जगह मुस्तैद है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्तैद है। राव साहब अगर जिला रेवाड़ी में घूम रहे हैं तो आरती बहन गुड़गावा जिले में है, आज सोना थी, सोना गांव में उनके दौरे थे, तो हल्के में इलेक्शन नहीं ले रहे हैं सर बिल्कुल भी। लगता क्या है अब नामांकन जैसे राज बब्बर का होगा, क्या लगता है चुनावी मुद्दे उभरेंगे? देखिए मैंने आज एक इंटरव्यू देखा, राज बब्बर ने साफ तौर पे एक चैनल में इंटरव्यू दिया है, कहते हैं राव इंद्रजीत सिंह हमारे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं पहले, मैं व्यक्ति तौर पे कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन जो मुद्दे हैं आम जनता के उन पे मैं बात करूंगा। सर पांच बार के सांसद रहना ये भी एक उपलब्धि है, और मंझे हुए खिलाड़ी है और सूझे हुए राजनेता है, तो देखो इलेक्शन में पर्सनल अटैक तो होना नहीं चाहिए, पार्टी है, पार्टी के हिसाब से दोनों पार्टी के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट है, मैनिफेस्टो है, उसकी बात करेंगे सर इन पर ये चर्चा। अच्छा नहीं, एक और आकलन हम कर ले, दोनों की उम्र भी तकरीबन बराबर है, 72 साल के करीबन जो है राज बब्बर है और 72-74 के आसपास करीबन राव इंद्रजीत सिंह, हो सकता है राज बब्बर से बड़े हों, लेकिन दोनों सुलझे हुए नेता, पांच बार के वो है तो 5-6 बार के राव इंद्रजीत सिंह, इनका भी मतलब लंबा पीरियड है राजनीति का, उनका भी राजनीति का लंबा पीरियड है, किस तरीके से देखते हैं मुकाबला कांटे का होगा? क्योंकि एक अहिरवाल की अस्मिता का सवाल उठ गया है, नहीं राव के लिए, राव के लिए जो चुनाव है सर मुकाबला कांटे का तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता कांटे का होगा, क्योंकि उसके कारण है कई कारण, ये है कि राज बब्बर जी को आज अचानक चुनाव से 25 तारीख की वोटिंग है और आप 25 दिन पहले 25 मई की वोटिंग है यहाँ और 30 तारीख को डिक्लेयर कर रहे हैं, 25 दिन पहले लाके छोड़ रहे हैं, तो उनको तो आज ये भी नहीं पता होगा कि गुड़गावा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, उनके हल्के में कितनी विधानसभा है उनको ये भी नहीं पता होगा, नाम भी नहीं पता होगा उनको असल में तो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र उनके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो 25 दिन के अंदर आपको पूरा क्षेत्र कवर करना है। दूसरा फिर मोहनलाल जी आज उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश का रहन सहन खान पान बोलचाल वो एक अलग है, हरियाणा के एक अलग है, देखो फर्क पड़ता है हर एक चीज का, अगर आप और हम साउथ चले जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनकी क्या रीति रिवाज है क्या हुआ। लेकिन बॉबी राव जी देखिए दो चीजें मैंने बोला हम कम शब्दों में, देखिए राज बब्बर को जिन्होंने टिकट दिखाई दिलवाई है वो तो हरियाणा के बारे में पूरा जानते हैं, मदद करेंगे वो तो मदद करेंगे, लेकिन नाम तो राज बब्बर का कहीं के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, देश भर के लोग जानते हैं उनको, फिल्म अभिनेता है राज बब्बर है, उनकी सैकड़ों फिल्में आई है, फिल्मों में लोगों ने देखा है, भाई नेम मतलब पहचान के मोहताज नहीं है राज बब्बर। सर पहचान के मोहताज नहीं है, अभिनेता है वो एक अच्छी बात है, मगर वो एक अलग चीज है, राजनेता होना और राजनीति करना वो एक अलग बात है। अगर हुड्डा साहब को इतनी मदद करनी थी तो किसी हरियाणा के कैंडिडेट को टिकट दिलवाते, हुड्डा साहब स्वयं लड़ लेते ना, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, 10 साल अगर मुख्यमंत्री रहे तो उनमें इतनी जज्बा होना चाहिए कि हरियाणा के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, वो क्यों ही लड़े, वो अपने खुद लड़े थे इलेक्शन, और उनने यहाँ के 6 बार के विधायक जो रह चुके हैं कप्तान साहब और उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में बड़े पावरफुल मंत्री रहे, नंबर दो एक बार तो दूसरी बार कार्यकाल था जो उसमें तो नंबर दो की पोजीशन पे थे कप्तान साहब, तो अगर उन्हें इतना ही विश्वास था कि हुड्डा साहब को कि मैं सीट निकलवा दूंगा तो कप्तान साहब को टिकट दिलवाते हैं, सीट निकाल लेते हैं भाई। हुड्डा के अलावा और भी है, गुरुग्राम में भी कांग्रेस के नेता है, बहुत सारे नेता और भी है, अहिरवाल में भी है, मेवाड़ में भी है, तो कहीं ना कहीं मदद तो करेंगे, तमाम लगकर करेंगे, राव इंद्रजीत सिंह के भी करेंगे, तमाम जो भाजपा के विधायक है तमाम लगे हुए हैं। सर ऐसा है कि राज बब्बर जी को ये तो एक शहीद करने के लिए लेके आए हैं, राज बब्बर जी का जो पॉलिटिकल कार्य क्षेत्र था वो सारा उत्तर प्रदेश रहा है, वो लोकसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश से जीते, वो राज्यसभा में गए हैं तो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश कोटे से गए थे, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तो उत्तर प्रदेश के रहे हैं,
अगर राज बब्बर जी का जो आप कह रहे थे कि उनका नाम के मोहताज नहीं है, तो कांग्रेस को 17 सीट दी गई थी, कांग्रेस किसी भी सीट से वहां से उतार लेती, कांग्रेस से क्यों नहीं उतार। लेकिन वो ये बोल रहे अपने बयान में कि मैं महानगरों में रह लिया, मुंबई में रह लिया, लेकिन अब एक रहने लायक जो शहर है बड़ा फाइबर सिटी गुरुग्राम, तो बोले मैं अपना घर यहाँ बनाऊंगा, लोगों के दिलों में घर बनाऊंगा। सर 72-73 साल की उम्र के होलिए हैं, दिल बनाएंगे इतने तो भगवान के घर जाने का टाइम हो जाएगा। दिल में दिल में घर के बात तो ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए कांग्रेस के उम्मीदवार। सर सुनिए मेरी बात, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्षेत्र में जाके आप अपनी पहचान बनाने में 10-15 साल लगते हैं, आप राजनीति में 20 दिन के अंदर राजनीति में परिपक्व होकर चुनाव नहीं निकाल सकते। कोई आंधी चल रही हो बड़ी जोर से, उसकी तो बात अलग है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो? नहीं सर। सर देखिए सुरेंद्र जी ने किस्सा सुनाया था 99 का। सर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, हमारी टीम सारी हलकों में बराबर काम कर रही है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता। आपसे चलते चलते ये और पूछ लेता, जो भाजपा उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है लगातार, किस तरीके से देखते हैं? नामांकन पे रणजीत चौटाला का विरोध हो गया, कभी किसी का हो गया, तमाम लोगों का, आप तो मुख्यमंत्री का भी आपका आ गया, आज करनाल में उनका भी विरोध हुआ है, देखे होगा आपने किस तरीके से उनकी गाड़ी रोक ली, झंडे दिखाए गए हैं, बैनर उनके फाड़ दिए हैं। मोहनलाल जी असल में ये चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो मनोहर लाल जी का रिपोर्ट कार्ड होगा, और ये जो भी कुछ विरोध हो रहा है ये मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान अफसरान पे ज्यादा विश्वास किया, और अफसरों ने इस पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में डुबो दिया और लूट खाया, जनमानस की नहीं सुनी। तो नहीं सुनिए, पब्लिक को मौका मिला है तो वो अपनी ग्रीवेंस रखेंगे, पहले बोलते थे मुख्यमंत्री सुनते नहीं थे। तो उसी का नुकसान अहिरवाल में भी ना हो जाए भाई, यहाँ भी किसान बैठे थे। सर यहाँ किसान बैठे थे, आपकी अगली रात भी ठीक बात है, मगर एक सुलझे हुए राजनेता में और एक पैराशूट से आया राजनेता फर्क होता है। राव साहब का वही सवाल कर रहा हूँ, एम्स के लिए यहाँ भी लोगों को संघर्ष करना पड़ा था, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, जिस पर आवाज बना रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ, राव साहब भुना नहीं रहे, राव साहब ने उस संघर्ष में एम्स के लिए उनका पूरा साथ दिया था, राव साहब ने उनकी बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पे उनकी बातें उठाई थी, लोकसभा में क्वेश्चन उठाए थे। आपको याद होगा नड्डा साहब ने अपने भाषण में दिल्ली कहा था कि जब भी राव साहब मुझे टकराते थे, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो पूछते थे मेरा एम्स क्या हुआ, मेरा एम्स कहाँ रहा। तो राव साहब ने पूरा साथ दिया था, सहयोग दिया था, मनोहर लाल जी की तरह छोड़ के नहीं भागे थे, किसानों को छोड़ के भागे थे। अच्छा मैं छोड़ के भाग गया था क्या? नहीं आप छोड़ के नहीं भागे, मनोहर लाल जी की तरह कहता हूँ मैं, मनोहर लाल जी तो मैं कह रहा हूँ। चलिए चलते चलते वकील साहब आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो अहिरवाल में तमाम नेता मैदान में आ चुके हैं, सरगर्मी आपको लगता है, अब वकील भी है बाहर में, चर्चा शुरू हो गई होगी अब तो? है बार में भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चर्चा शुरू है। क्या देखते हैं? बरोबर में प्रतिद्वंदी फिल्म अभिनेता है पॉपुलर राज बब्बर, इधर राव साहब भी पॉपुलर हैं, वो भी लगातार यानी कि लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। बिल्कुल 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 मोहनलाल जी, राव इंद्रजीत के मुकाबले में अगर कप्तान अजय सिंह यादव को टिकट दी जाती तो मेरा मानना है हार तो उनकी भी निश्चित थी, लेकिन वो मार्जिन कम रहता। अभी राज बब्बर को टिकट दी गई है, जिनके एक नारा लग रहा है कि वो भारी प्रत्याशी है, ठीक है मान रहे हैं कि सेलिब्रिटी है, लेकिन वो गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत से बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, और उनकी हार होगी जो मार्जिन होगा हार का वो पिछले लोकसभा चुनावों से कहीं ज्यादा होगा। नहीं ये बाहर का तो जो नारा लग रहा है वकील साहब, आप पढ़े लिखे हैं, देखिए खुद गुजरात से नरेंद्र मोदी जी जाके वाराणसी से लड़ते हैं, हेमा मालिनी लड़ती है मथुरा से जाकर के, तो कहीं ना कहीं से तो पूछ देश सबका है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें बाहरी वाली क्या बात है। मोहनलाल जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या राज बब्बर जी से अगर आज हम पूछे जाए कि मांडिया कला गांव कहाँ है रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या वो बता सकते हैं? लेकिन राव इंद्रजीत जिन्होंने टिकट दिलाई है पे है, और एक राव इंद्रजीत सिंह उन गांव के 100 आदमियों के नाम भी बता सकते हैं। एक राज बब्बर जिनको यहाँ लाके थोप दिया गया,
क्यों नहीं कांग्रेस ने यहाँ के किसी हरियाणा के किसी वासी को टिकट दिया गया हो, कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट देते जो पिछली बार भी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, बताइए आप। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन चलते चलते मैं 30-30 सेकंड सबको दूंगा। सुरेंद्र जी, बॉबी राव जी ने तमाम चीजें कही है, रोचक कब से हो जाएगा, कब से मुकाबला और सरगर्मियां होगी, देखने को मिलेंगे आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर आपको लगता है शुरू होगा जल्द? मोहनलाल जी, मैंने दोनों प्रवीण राव जी को भी हरीश जी को भी सुना, मैंने तो यही सलाह है कि चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है ना, अलग ही सोच का है। जब विनोद खन्ना मुंबई से आके गुरदासपुर से बन गए, यहाँ हेमा मालिनी दो बार बन गई जैसा कि आपने बताया, सन्नी देओल बन गया, तो ये भूगोल मायने नहीं रखता भी फलाना गांव कहाँ पर है। जब मोदी के नाम पर दो दो बार चुनाव जीत गए जिन्होंने विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई, और आज वही जनता विरोध कर रही है। तो मुद्दे जो राष्ट्रीय लेवल पे है, महंगाई, बेरोजगारी और ये संविधान बचाओ, चुनाव होगा इन मुद्दों पर। लेकिन 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 आप तो महेंद्रगढ़ से, वहां तो लगातार भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, और आज भी हुआ रणजीत चौटाला का, लेकिन नामांकन भी जा रहे तब भी विरोध हो रहा है, खट्टर का भी हो रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहनलाल जी, आज जब रणजीत जी ने नामांकन किया तो कुलदीप बिश्नोई नहीं थे वहां पर, और पता लगा उनके बेटे भव्य बिश्नोई वो राजस्थान में चले गए। तो भाजपा में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, राव साहब काफी मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। राव साहब ने देखे, मैं राव साहब के कई चुनाव देख चुका, हालांकि मैंने कवरेज नहीं की, लेकिन राव का चुनाव मजबूत होता है, नो डाउट, उनका टीम वर्क अच्छा है, मजबूत है, तो ऐसे ही टक्कर में टीम वर्क चाहिए, राव साहब की टक्कर जैसा, जो राव साहब के डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। मोहनलाल जी, अब की बार कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है, अब की हरियाणा के अंदर, और यहाँ तक कि देश के अंदर, जो 20-25 दिन पहले कांग्रेस का माहौल था, कोई टिकटें नहीं लेना था, आपके कैप्टन अजय ने खुद कहा था मेरा दिन दुख रहा है, मुझे आवेदन नहीं करूंगा, आज वो टिकट के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए, तो चुनाव के अंदर स्थिति एक दिन में भी बदल सकती है। तो मेरा सुझाव यही है कि भाई चुनाव को चुनाव के तरीके से, राज बब्बर कोई हल्का प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े सोच समझ के भेजा है, और आपका कहना ये है राव और कॉन्फिडेंस ना हो जाए, क्योंकि राव ने तो कल ही कहा था अपने जब नामांकन में कि भाई दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, प्रतिद्वंदी को अपने हथियार तैयार रखो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उस दिन नामांकन वाली जनसभा में, मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। बॉबी राव जी मजबूत आपको लगता है हथियार तैयार रखने पड़ेंगे? सर मैं तो पहले कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, हमारा पूरा जोर हमारे कार्यकर्ता कन्वेंसिंग में है, हम ये हल्का तो लेके चल ही रहे, कभी किसने कहा कि हम हल्का लेके चल रहे हैं कैंडिडेट को? आप आगे आ जाते हैं ना, बात करते करते आप आगे आ जाते हैं, हमारा प्रेम छिड़ जाता है भाई, हल्के में तो लेकिन लेकिन, लेकिन लेकिन एक हो रहा है ना, जो भाजपा के जो कहे पन्ना प्रमुख है, जो बना रखी है टीम वर्क, उनका भी तो पूरा सहयोग मिलना चाहिए ना, राव के तो खुद के समर्थक तो लग रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। सर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता सब फील्ड के अंदर है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बीजेपी के जो ये असंतुष्ट लीडर, जो तथा कथित लीडर है, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए यहाँ वहां खबरें फैलाते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी हम साथ नहीं है वो नहीं है, कार्यकर्ता बीजेपी का साथ है। कल पार्टी दफ्तर खोला था, पूरे जिले की कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी, यूथ कार्यकारिणी, आईटी सेल, सारे साथ ही सारे वहां पे थे, सब फील्ड में जा रहे हैं, सब सबने अपना काम संभाल रखा है। तो देखिये दो चीज होते हैं ना, शहर के अंदर था तो तमाम को चेहरे दिखाने जरूरी थे, भाई ग्रामीण में क्या आंचल के अंदर जाए। सर ऐसा है बीजेपी के अंदर जो आप कह रहे हैं ना, फ्रैक्शन है या जो भी है, जो भी जैसे पहले भी डिबेट में आप करते थे बात जो होती थी, तो वो जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं में नहीं है, वो जो कुछ है वो जो ये लीडर बन रहे हैं ना, तो ताकि जो लीडर बन गए अपने आप को, लीडर बगैर चुनाव लड़े लीडर समझ गए और लीडर मान बैठे अपने आप को, उनसे उनसे सावधान रहने की जरूरत है सबको। हम तो पहले से सावधान है सर उनके लिए बोल रखा है हमने, वो अगर आते हैं वेलकम, नहीं आते तो भी वेलकम। चलिए सावधान है मुझसे। चलिए चलिए, वकील साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है,
इवन कल कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ है, उससे पहले तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ की जिम्मेदारी तक मिल चुकी कि कौन सा बूथ संभाल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ठहरेगी कहां, राज बब्बर जी हमारे सामने ठहरेंगे? एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेके यूथ लेके जी महिला प्रमुख हो जो भी कार्यकारिणी है, सब बड़े मतलब मुस्तैद हैं। राव इंद्रजीत बहुत भारी बहुमत से गुड़गांव लोकसभा से जीतने वाले हैं। आज मेरी बात ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं, आज इस बार की जो जीत होगी वो बहुत बड़ी जीत होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाह रहा हूं। चलिए, तमाम लोगों ने बात रखी कौन जीतेगा, कौन अहिरवाल का राजा असली बनेगा इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी तक तो कहे राजा राव इंद्रजीत सिंह है, लेकिन अब मैदान के अंदर एक अभिनेता आए हैं, वो भी राज बब्बर है, क्योंकि उनके नाम के आगे भी राज लिखा हुआ है। तो अब राज कौन करेगा, अहिरवाल की सीट कौन जीत के जाएगा, और हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी नामांकन हुआ है, राव जो राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन कर दिया है, राज बब्बर 3 तारीख को करेंगे, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू होगा अपने उफान पर आएगा, तो तमाम खबरें आपको इसी तरीके से दिखाएंगे कि किस तरीके से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, और अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है पूरे हरियाणा के, उनके बारे में भी बैठ करके लगातार विश्लेषण करेंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।